नमस्कार, मैं हूँ आरजे नीरज द घुमक्कड़ लौंडा। और दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बहुत ही कुछ खास होने वाला है, कुछ हैरत अंगेज कारनामा होने वाला है। जी हाँ, मैं मिलने वाला हूँ बॉलीवुड के चर्चित हेयर एक्सपर्ट जिनका नाम है नाजिम अली। वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कुछ बहुत ही बड़ा हैरत अंगेज कारनामा करने वाले हैं। तो जानते हैं उनसे कि वो क्या करने वाले हैं। देखते रहिए पूरा एपिसोड, देखते रहिए द घुमक्कड़ लौंडा शो विद मेरे यानी आरजे नीरज के साथ। नमस्कार। फाइनली मैं आ गया हूँ नाजिम अली सर के पास। तो सर से पूछते हैं, आज वो कौन सा ऐसा हैरत अंगेज कारनामा करने वाले हैं। तो सर प्रणाम। सर आज आप क्या करने वाले हैं? मैं आज आपको दिखाऊंगा ब्लाइंड कट, जो एक ये आंखों पे पट्टी बांध के कटिंग करते हैं। वाह, मतलब ये जब आपने कभी ऐसा किया कभी भी ऐसे शुरू में? क्योंकि ये मतलब लड़कियों को बाल बहुत प्यारे होते हैं और आंखों पे पट्टी बांध के अगर कुछ ऐसे गलत कट जाए तो फिर लड़कियां बहुत गुस्सा होती है। तो आपको कभी ऐसा होता नहीं? इसके लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस करने के बाद में ही काम किया है। तो मैं बहुत अच्छे से आपको अभी करके दिखाऊंगा प्रॉपर के कैसे कट होता है, कुछ भी कोई भी कमी नहीं आई। अच्छा, एक चीज़ और जो मतलब एक मन में शंका होती है ना, जो एपिसोड लोग देख रहे हैं वो सोचते हैं अच्छा नहीं ये तो कुछ अलग ही चल रहा होगा, कपड़े से हो सकता दिखता हो, ऐसा क्या है? मतलब हो सकता है कपड़ा अपारदर्शी? आप इसको देखोगे तो पूरा पूरी तरीके से बंद है। इसके ऊपर मैं आपके साथ कॉटन रखूंगा। ओके, नहीं ये तो अब मुझे भी विश्वास हो गया कि कपड़े में तो कोई वो नहीं है। कॉटन भी रखा, कॉटन रख के फिर इसको मैं, ठीक है। तो मैं ये हैरत अंगेज कारनामा एकदम लाइव देखना चाहूंगा। ठीक है सर, शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनली आंखों पे पट्टी बांधी जा चुकी है, हाथ में इनके सीजर है और ये कंघी है। तो इससे ये अब बाल काटने वाले हैं, कुछ हैरत अंगेज होने वाला है। मैं आपको दिखा सकता हूँ इस तरफ से, आंखों में पट्टी बांधी हुई है। अच्छा, ओहो, अच्छा जाऊँगा। सर एक बात बताइए, आपको थोड़ा बहुत डर भी नहीं लग रहा? मतलब कि कैसे पकड़ में कैसे आ रहा है ये बाल, जैसे आप कहाँ कैसे समझ पा रहे हैं? ये तो मैं आपको बताने से ज़्यादा देखना, ज़्यादा आपको देखने से ज़्यादा पता नहीं। वो तो कहाँ पर पता लग रहा है? नहीं, वो तो मैं देख पा रहा हूँ ज़रूर से कि आप बहुत अच्छों से आपकी मतलब कहते हैं ना वो हाथों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। मेरी गाइडलाइन भी देखोगे आपको, मेरी गाइडलाइन भी बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आएगी। मैं गाइडलाइन पर ही पूरा वर्क करता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से ये यहाँ पर हैरत अंगेज कारनामा किया जा रहा है कि एक आंखों पे पट्टी बांधकर एक लड़की के बाल काटे जा रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत ही अनोखा है और मतलब ये इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर बहुत लोग इस एपिसोड को देख के अपने घर पर ट्राई करना चाहें तो ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए सच में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो सर ये कितने साल से कर रहे हैं? ये सर मुझे कम से कम 15 साल हो गए ब्लाइंड कट करते हुए। 15 साल पहले मैंने एक मेरे अपना सेमिनार था। अच्छा। मैंने उस सेमिनार में भी किया था ये। तो 15 सालों के करियर में कभी भी आपसे कोई गलती हुई है सर? कभी तो कुछ तो हुआ होगा सर। गलती तो हर किसी से होती है, लेकिन मुझे कुछ अपना ध्यान नहीं कि अभी मैंने कोई गलती की है। अच्छा, मतलब आप हमेशा से ही परफेक्टनिस्ट रहे हैं। जी जी, ओके। चलिए सर, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बाल काटे जा रहे हैं। एक साइड का लगभग कम्प्लीट भी हो गया आई थिंक थोड़ा सा। तो जिनके बाल कट रहे हैं आइए उनसे पूछते हैं कि उनको कहीं डर तो नहीं लग रहा है या कैसा कुछ क्या हो रहा है। तो मैम आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? अभी आपके जो बाल कट रहे हैं वो आंखों में पट्टी बांध कट रहे हैं, तो कैसा फीलिंग हो रहा है आपको? अच्छा फीलिंग हो रहा है, क्योंकि मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड थी कि मैं नाजिम सर से हेयर कट लूँ। अच्छा, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं, मतलब ये जो हैरत अंगेज कारनामा हो रहा है इसको आप अपने ऊपर ट्राई करवा के बहुत खुश फील कर रहे हैं? हाँ, मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ। अच्छा, कुछ अगर गलत हो गया तो फिर क्या होगा? मतलब वैसे मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत होगा। हाँ। और अगर कुछ गलत हो गया तो कोई बात नहीं, बाल है फिर आ जाएंगे। बाकी वो तो हेयर एक्सपर्ट नाजिम सर हैं ही, वो तो संभाल ही लेंगे। वो तो संभाल ही लेंगे, सही है। मतलब अभी आपको कोई घबराहट वगैरह नहीं हो रही? नहीं, अभी कुछ नहीं। मेरा ये पूरा बैक से कट हो चुका है। अच्छा। मैं अब आगे वाले बालों को थोड़ा सा बाउंस दूंगा। अच्छा। क्योंकि मेरे क्लाइंट को थोड़ा सा बाउंस चाहिए था आगे से, बाउंस बहुत ज़्यादा इसके अंदर बाउंस आएगा। हल्का हल्का सा मैं इसमें बाउंस दूंगा, जिससे मेरा जो क्राउन का एरिया है उसके ऊपर मेरे बालों के अंदर बाउंस आ गया। और मैं इन बालों को हल्का हल्का सा, अगर और क्लाइंट को बाउंस चाहिए तो मैं इन बालों को टेक्सलाइजिंग करूँगा। अच्छा, ये क्या होता है सर, हम जानते नहीं? मैं आपको दिखा रहा हूँ भी क्या होता है। हाँ। जिनसे मेरे बाल बहुत ज़्यादा ना, हाँ,
वेव आ जाएगी बालों के अंदर ना, मेरे बालों के अंदर। अगर मैं इन बालों को ना थोड़ा सा बाउंस कम है हाँ। तो मैं इन बालों में थोड़ा सा और ज़्यादा टेक्सटाइलिंग करूँगा तो जिससे मेरे बालों के अंदर बहुत ज़्यादा बाउंस आ जाएगा। अच्छा, ये मतलब ये जो अभी आप कर रहे हैं ये जो स्टेप है बाउंसिंग लाने के लिए, बाउंस लाने के लिए। अभी जो मैं इन बालों को देखो करने के बाद में जब इनको मैं छोड़ूंगा तो मेरे बालों के अंदर ये लीजिए सर आया बाउंस, मेरे बालों के अंदर बाउंस आया। अच्छा, तो इसलिए थोड़ा सा जो हमारा ये क्राउन का एरिया होता है यहाँ पे बाउंस कम होता है तो इसलिए हम इसको टेक्सटाइलाइजिंग करते हैं। टेक्सटाइलाइजिंग में हमारे बालों के अंदर बाउंस बहुत अच्छा सा आ जाता है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, वैसे तो आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है लेकिन फिलहाल मैं जो देख पा रहा हूँ कि अभी जहाँ तक ये बाल कट चुके हैं वो फिलहाल एक शेप में आने चालू हो गए हैं और अभी से ही काफ़ी खूबसूरत लगने लगा है। जब इस पर ड्रायर लगेगा और अच्छे से सेट करता हूँ, ज़्यादातर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं विदाउट ड्रायर ही कट करूँ। अच्छा सर जी, फिलहाल मैं देख सकता हूँ कि फ्लिक भी करूँगा। अच्छा, ये देखिए मैं हल्का सा फ्लिक करने जा रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा, तो आप मेरे क्लाइंट का पूरा लुक चेंज हो जाएगा। सेट हो रहे हैं और फाइनली, तो सर आप ये अंदाज़ा कैसे लगा पा रहे हैं कि कब कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है? सर मुझे पता रहता है क्योंकि मुझे कटिंग करते हुए मेरे इस प्रोफेशन में कम से कम 30 साल से हूँ मैं। अच्छा, 30 ईयर्स हो गए मुझे, तो मुझे पता रहता है कि यहाँ पे कहाँ पे कौन सा सेक्शन उठाना है। चलिए सर, मतलब वैसे तो देखा जाए तो ये काफ़ी हैरत अंगेज सा है मेरे लिए, मतलब पहली बार मैं लाइव ब्लाइंड कटिंग देख रहा हूँ तो अच्छा लगा, मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से हेयर कट यहाँ पे पूरा हो चुका है और फाइनली जो अभी प्रक्रिया चल रही है वो ड्रायर से इसको सेट करने की चल रही है जिससे फाइनल शेप में आ जाएगा बाल। और अभी इनसे सर से जानते हैं कि आगे ये ड्रायर के बाद ये बस ये तैयार हो जाएगा हमारा हेयर कट। जी हाँ, उसके बाद हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। ओके, तो फाइनली अब अपोजिट साइड का लुक दिया जा रहा है फाइनल शेप में आने के लिए बालों को। अच्छा सर, आप फाइनल जब ये स्टेज आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको अब क्या लगता है कि बाहर से जो आपने बिफोर और आफ्टर वाली कंडीशन बनाई होगी कि पहले बाल ऐसे थे अब ऐसे रहे होंगे, तो आप क्या आंखों में बिना पट्टी लिए इसको जी वो कर पा रहे हैं कि ये अब कैसा लग रहा होगा, मतलब बिना आंखों से पट्टी निकाले? सर मैं दिन में कम से कम 20 से 30 हेयर कट करता हूँ तो मुझे तो कुछ थोड़ा बहुत तो आइडिया रहता है ना कहाँ पे जाने की मेरे बाल कहाँ से कैसे हो जाएंगे। अच्छा, तो मेरे बाल ये अब देखोगे आप पीछे से, मैं आपको दिखाता हूँ हाँ। तो मैं इनको हल्का हल्का सा खोलूँगा तो और ज़्यादा बाउंस आ जाएगा मेरे बालों के लिए। अच्छा, वैसे मैं देख रहा हूँ सच में बहुत अच्छा शेप उभर के आया है, तो ये काफ़ी मेरे लिए तो मतलब थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। मैं पहली बार सच में मैं देख रहा हूँ TV30 इंडिया का ये आरजे नीरज द घुमक्कड़ लौंडा पहली बार इस हैरत अंगेज कारनामे को देखा, पहली बार ही मैं देख रहा हूँ कि आंखों पे पट्टी लगा के लोग बाल भी काटते हैं क्योंकि लड़कियां तो बालों के मामले में काफ़ी सिंसियर होती हैं। अच्छा मैम, आपसे पूछता हूँ कि आपने कई बार बचपन में ऐसे बहुत जगह बाल कटाए होंगे जो ट्रेंड नहीं होते, तो उनके साथ आप बाल कटाने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहता था? अंदर से डर लगता था कहीं ख़राब ना हो जाए? हाँ, डर लगता था और कई बार ख़राब हुए भी हैं। अच्छा, जैसे मेरी मम्मी है वो घर में जैसे दीदी बुआ रहती है उनसे आईब्रो बनवा लेती हैं, फिर वो कभी कभी ख़राब हो जाए फिर मम्मी रोकती है क्यों नहीं हम पार्लर में चले गए 30 रुपये का खर्चा। जी बिल्कुल सेम, अभी मैंने जो कट कराया वो ऑलरेडी ख़राब ही थे तभी मैंने कहा कि नाजिम सर अब जरा इसको एक अच्छा सा कट दे दीजिए। कट चुका है और आपके आँखों से पट्टी जो है उतर चुकी है, अब आपको कैसा लग रहा है और बालों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो कहना चाहूँगा कि क्लाइंट से पूछो, मैं तो कर रहा हूँ अच्छी कोशिश करता हूँ करने की, लेकिन क्लाइंट बताएंगे कि हाँ भी उनको कैसा लगा या जो और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको कैसा लगा। मैम फाइनली अब बताइए आपका बिफोर और आफ्टर का कंडीशन बताइए। अभी तो मैंने अपने आपको देखा नहीं है, पीछे बताएंगे लोग जो मेरे बैठे हुए हैं। अच्छा आइए, और लोग देख रहे थे लाइव हेयर कटिंग देख रहे थे ब्लाइंड हेयर कटिंग, तो आपको कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा, हमें तो पता ही नहीं था, हम खुद कटवाना चाहते थे लेकिन हमें डर लग रहा था पता नहीं हो सकता है। आपका क्या? मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर का ये, बिल्कुल बहुत अमेजिंग है। मतलब आगे चल के आपका भी ऑफ कोर्स मैं कराना चाहूँगी। और कुछ लोग हैं मैम? यस, मैंने फर्स्ट टाइम नहीं देखा, दोबारा में देखा है, लेकिन सर जब भी करते हैं कुछ अच्छा सा और नया सा होता है।
अच्छा, आपको क्या लग रहा था बाल कटने से पहले क्या फीलिंग थी? मतलब बेस्ट थी क्योंकि नाजिम सर का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस है। चलिए, तो आपको ये कभी ब्लाइंड हेयर कट कराना हो या सीखना हो, सिखाना हो, आप बस साहिब साहिबा सैलून पे आइए, गूगल पे सर्च कर लीजिए। बाकी नाजिम सर के बारे में बहुत सारी बातें आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, बाकी हमारे कमेंट सेक्शन में इनकी सारी डिटेल्स लिखी हुई है। अच्छा सर, मैंने आपके बारे में थोड़ा सा और पढ़ा है कि आपने बॉलीवुड में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का हेयर स्टाइलिंग करा हुआ है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी सारे लोगों का मैंने काम किया है जिसमें मैंने हेयर स्टाइलिंग उनके किए, बहुत सारे हेयर कट वगैरह भी किए हैं सबके, तो बहुत अच्छा सा मज़ा आता है। वहाँ पे जाते हैं बॉम्बे में हम काम करने के लिए फिल्म स्टूडियो के अंदर, तो बहुत अच्छा सा लगता है। उम्मीद है आपको आज का यह घुमक्कड़ लौंडा शो का यह एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगले किसी एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए द घुमक्कड़ लौंडा शो विद मेरे यानी आरजे नीरज के साथ। मैं हूँ आरजे नीरज, द घुमक्कड़ लौंडा। नमस्कार।